हरिद्वार से अलीगढ़ होता हुआ पानी पहुंचा फिरोजाबाद के एका ब्लॉक में। 6 गांव की 1700 बीघा धान की फसल पानी में डूबी। 7 से 8 फीट खेतों में भरा पानी, गांव में घरों तक पहुंचा पानी। सभी गांव फिरोजाबाद के एका ब्लॉक में अधिकारी करा रहे हैं पानी निकालने की व्यवस्था। दरअसल चारों तरफ पानी देखकर एक बार तो ऐसा लगता है कि यह कोई नदी है, लेकिन हम आपको बताते हैं यह नदी नहीं, यह फिरोजाबाद के एका ब्लॉक में आने वाले 6 गांव देवा, मछराय, नगला पाए, जहां 1700 बीघा धान की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, क्योंकि वहां खेतों में 7 से 8 फीट पानी भर चुका है। जिस नहर में यह पानी आया है उसे खाजा नहर कहा जाता है। इस नहर में पानी न आने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया था, इसलिए इस नहर को खाजा नहर कहते हैं। इस नहर में काफी सालों से अब तक पानी नहीं आया था, लेकिन इस बार उत्तराखंड में हुई भीषण बरसात के कारण हरिद्वार से टूटा हुआ लीटर से यह पानी एका ब्लॉक में पहुंचा और इतना पानी पहुंचा कि 6 गांव की फसल पानी में डूब गई। स्थिति तो यह बन गई कि पानी अब गांव में भी पहुंचने लगा है। लोगों के घरों के बाहर भी पानी भर गया है। लोगों को पानी में से ही निकलना पड़ रहा है। इस पानी को निकालने के लिए फिरोजाबाद के सिंचाई विभाग के अधिकारी तमाम व्यवस्थाओं में लगे हैं। यहाँ तक कि जो नहर में ताकत लगा हुआ था उसे खोल दिया है, जिससे यह पानी अन्य जिलों के नहरों में पहुँच सके और खेतों में से पानी निकल सके। लेकिन आज की स्थिति में नहर के 7 से 8 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है। जो किसान अपने खेतों में उपयोगों में थोड़े दूर चुके थे, इससे यह साबित हुआ कि पानी काफी भर चुका है। ग्रामीणों ने पानी रोकने के लिए मिट्टी के खेतों के सहारे लगा दिया है कि पानी गांव में ना घुस सके, लेकिन फिर भी पानी गांव में पहुंच चुका है। सभी परेशान किसान ये चाहते हैं कि जो खाजा नहर है जिसमें काफी सालों से पानी नहीं आया था, इसलिए उसकी सफाई भी नहीं हुई है। अगर नहर की सफाई हो जाए तो पानी की निकासी अच्छी हो जाएगी और खेत खाली हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार की फसल जो चौपट हो ही गई है, आगे वो जो फसल करेंगे वो भी चौपट हो जाएगी। कई किसानों से बात करने के बाद यह स्थिति सामने आई है, धान के पूरे जलमग्न हो चुके हैं। कितने गांव ऐसे हैं जहां ये स्थिति है? ये करीब 6 गांव बिल्कुल जलमग्न है, बिल्कुल घरों में पानी जाने वाला है। और अभी स्थिति ऐसी है कि पानी बराबर चल रहा है। और बात ये है कि प्रशासन ये कहे और चाहे तो वो 2 मीटर पानी ऊपर उठा हुआ है, उसकी सफाई नहीं है। वो सफाई करा दी जाए तो हमारा 2 दिन में पानी ढल जाए, हमारी गंदी रुक जाए। कब से ऐसा है जी? कम से कम 10 दिन हो गए इसको, 8-10 दिन हो गए। करीब कितने एकड़, कितने बीघा फसल खराब? कम से कम 2000 बीघा फसल चपेट बिल्कुल खत्म ही हो गई। नर्सरी सब चली गई, ये जो है चारा चला गया पशुओं का, घरों में पानी है तो बताओ। ऐसी स्थिति है, बच्चों को बचाना मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? हम मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि ये पॉपलेन आ जाए, हमारा पानी जो सफाई हो जाए 2 किलोमीटर की, तो हमारा पानी 2-4 दिन में ढल जाए और ये बंद करा दी जाए तो हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है कि अगली फसल बच सकती है। और ना अगली फसल भी हमारी सब चौपट है चली गई। सर, हमारा नाम राधाचरण यादव। राधाचरण जी, ये फिरोजाबाद का एका क्षेत्र है। यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो फसल है, 6 गांव की जो फसल यहाँ खेतों में हो रही थी, वो सब जलमग्न हो गई। क्या कारण? टोटल जलमग्न हो गई है सर। ये हमारी एक पहले नहर चलती थी, वो फिर खारिज कर दी है। खारजा में नहर में ऊपर से पानी आया है जो कभी नहीं आता था। आज 30 साल बाद पानी आया है और मतलब गांव के अंदर पानी घुस चुका है और पूरी खेतीबाड़ी जलमग्न हो चुकी है। और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को भी बताया है, लेकिन आते हैं और सुन के चले जाते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो हमने पॉपुलर मशीनें मंगाई थी, नहर की सफाई होनी थी, वो अभी नहीं आ रही हैं। आज 10वां दिन है पानी भरे हुए गांव के अंदर, लेकिन मशीन नहीं आई। अगर मशीन आ जाए तो हमारी नहर की थोड़ी 2 किलोमीटर की सफाई हो जाए और पानी निकल जाए। अच्छा, ये पानी आया कहाँ से? हरिद्वार ना, ये अलीगढ़, मतलब ये अलीगढ़ डिवीजन में ये नहर पड़ती है, वहाँ से पानी ऊपर से आया है। ये इसकी स्टार्टिंग हरिद्वार से है नहर की, और ये जेड़ा झाल पे आके मतलब हजारा नहर में जॉइंट होती है। अच्छा, कभी पहले आया इतना पानी? नहीं सर, कभी नहीं आया इतना पानी, कभी हमारे बाप दादे के जमाने से नहीं आया इतना, जो गाँव के अंदर कभी पानी गया हो इतना आया हो। नीरज कुमार सिंह। नीरज जी, क्या पद है आप पर? मैं नीरज कुमार सिंह, अति साक्षी आईसीटी फिरोजाबाद। अच्छा, यहाँ देवा गांव और आसपास के गांव में नहर से पानी आ रहा है, तमाम गांव भी फसलों में भी पानी भर गया, तो क्या व्यवस्था की जा रही है? इसमें ये था, ये आईटी फिरोजाबाद की नहरें थी जो खारजा नहरें थी, खारजा का मतलब जो खारिज हो चुकी थी, उनमें जब बरसात हुई तो पीछे से पानी आया। यहाँ पे जो साइफन था वो, क्योंकि कभी उनमें पानी आता नहीं था तो वो साफ नहीं थी,
तो इस वजह से वो पानी भरा, बाद में साफ करा दिया गया, वो पानी धीरे धीरे निकल रहा है। एक दो अच्छा, क्या स्थिति थी, कितना पानी भरा जैसे फसलों फसल भी डूब गई पानी? अब वो तो संबंधित आए वो दिशा चेपनता या वो बता पाएंगे, देखा तो हमने भी पानी भरा था, उसमें 3-4 फीट पानी है था, तो वो अब निकल रहा है पानी। अच्छा, अभी क्या व्यवस्था की, मशीन ला के पानी फाटक से निकाला जा रहा है? नहीं नहीं, ये तो फाटक अलग, ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो नदी में पानी अपनी नहर में पानी बढ़ाया जाए।